हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन अप टू 9th किए थे। क्वेश्चन नंबर 10th, इनमें क्या करना है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ, यानी एफ जहां पर भी डिसकॉन्टिन्यूस है वो पॉइंट निकालने हैं कंप्लीट रियल लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इफ़ एक्स इज लेस देन वन। ग्रेटर देन इक्वल टू वन पर फंक्शन है एक्स प्लस वन और लेस देन वन पर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आपको चेक करना है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 10th, सबसे पहले हमारे पास यहाँ केसेस बनेंगे, थ्री केसेस वी हैव, एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स इज लेस देन वन एंड एक्स इक्वल टू वन। फर्स्ट केस, एक्स इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन पर फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन बींग अ पॉलीनोमियल सो इट इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। जो पॉलीनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं, एवरी पॉलीनोमियल इज़ कॉन्टीन्यूअस, रेशनल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कोस टेंजेंट साइन कोस कॉन्टीन्यूअस होता है, टेंजेंट कॉसिकेंट सीकेंट और कोट में थोड़ी सी बाउंडेशन होती हैं कि वो जिस पर ज़ीरो ना हो वहाँ पर कॉन्टीन्यूअस होगा, नॉट डिफाइंड ना हो। तो ये पॉलीनोमियल है, एफ एक्स बींग अ पॉलीनोमियल सो इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। सेकेंड केस में क्या है हमारे पास, एक्स इज़ लेस देन वन, लेस देन वन में फंक्शन लेंगे ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज़ ऑल्सो ए पॉलीनोमियल सो इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। नाउ वी हैव टू चेक एट एक्स इज इक्वल टू वन, वन पर क्या है आपके पास, लेस देन वन पर फंक्शन कुछ और है, ग्रेटर देन वन पर फंक्शन कुछ और है। तो इस केस में, इस टाइप में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, वन माइनस का मतलब है स्लाइटली लेस देन वन, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे, वन स्क्वायर प्लस वन इज़ टू। नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स, वन प्लस मीन्स ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन में फंक्शन क्या है आपका एक्स प्लस वन, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू वन प्लस में क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू। नाउ एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, एफ ऑफ वन का मतलब इक्वल टू वन, इक्वल टू वन किसके साथ है, यहाँ पर है हमारा इक्वल टू वन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन, मीन्स एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स, वन प्लस एफ एक्स एंड एफ ऑफ वन ऑल आर इक्वल, सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन, हैंस एफ इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th, 11th में क्या हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन टू देन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पर भी वही केस बनाएंगे हम, एक हो जाएगा आपका k लेस देन टू, k ग्रेटर देन टू और k इज इक्वल टू टू। तो के कोई भी रियल नंबर है, जब हमें ये ना दिया हो कॉन्टीन्यूटी चेक करनी किसी पॉइंट पर ही, 1, 2, 3, 4 या कोई हो पॉइंट, तो हमें कंप्लीट रियल लाइन पर चेक करनी होती है। तो के लेस देन टू लेते हैं, फंक्शन क्या होगा, लेस देन टू पर जो फंक्शन है वो है आपका एक्स क्यूब माइनस थ्री, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू के एफ एक्स क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे के, तो ये आ जाएगा के क्यूब माइनस थ्री। अब आपको एफ ऑफ के निकालना है, एफ ऑफ के लेस देन टू दे रहे हैं यहाँ पर, तो लेस देन टू पे फंक्शन क्या है एक्स क्यूब माइनस थ्री, तो एफ ऑफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर के क्यूब माइनस थ्री। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के, सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल रियल लेस देन टू। नेक्स्ट है के इज़ ग्रेटर देन टू, के ग्रेटर देन टू पे फंक्शन क्या लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो फंक्शन आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, लिमिट एक्सटेंड्स टू के एफ एक्स निकालते हैं पहले, ये बनेगा के स्क्वायर प्लस वन, एफ ऑफ के निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा के स्क्वायर प्लस वन, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू के एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के, सो एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन टू। नेक्स्ट आप टू पर चेक करेंगे, यहाँ लेस देन टू और ग्रेटर देन टू पर फंक्शन चेंज हो रहा है, सो वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी आपकी, लिमिट एक्सटेंड्स टू टू माइनस एफ एक्स, टू माइनस का मतलब लेस देन टू, लेस देन टू पर फंक्शन क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस थ्री।
तो यहाँ पर फंक्शन लेंगे एक्स क्यूब माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टू टू क्यूब माइनस थ्री दैट इज़ एट माइनस थ्री इक्वल टू फाइव। नेक्स्ट आती है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस एफ एक्स, टू प्लस का मतलब ग्रेटर देन टू। ग्रेटर देन टू पर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, टू। तो एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे, टू स्क्वायर प्लस वन दैट इज़ फोर प्लस वन इक्वल टू फाइव। अब लेते हैं एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू का मतलब इक्वल टू टू है जहाँ पर, वो फंक्शन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री। तो एफ ऑफ टू क्या बन जाएगा, टू क्यूब माइनस थ्री दैट इज़ फाइव। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ टू। सो फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू। अब फंक्शन जो है वो लेस देन टू पर भी कॉन्टीन्यूअस हो गया, ग्रेटर देन टू पर भी कॉन्टीन्यूअस हो गया, और इक्वल टू टू पर भी कॉन्टीन्यूअस हो गया। इसका मतलब इट इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन कम्प्लीट रियल लाइन। सो कम्प्लीट रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। क्वेश्चन ट्वेल्थ और थर्टीन सेम है, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन्थ। फोर्टीन्थ में क्या है हमारे पास, डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। तो 14, 15, 16 सेम है तीनों क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन इस तरह से तीन टाइप में डिफाइन किया गया है, तो कॉन्टीन्यूटी चेक करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या है, केस नंबर वन। केस बनेंगे यहाँ पर, कैसे केस बनाएंगे, जहाँ पर वैल्यू डिफ़र हो रही है वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी है। जैसे सपोज़ यहाँ पर है एक्स लेस देन वन पर फंक्शन कुछ हो रहा है और एक्स ग्रेटर देन वन पर फंक्शन कुछ हो रहा है, तो हम एक्स इक्वल टू वन पे चेक करेंगे। इसी तरह आपका एक्स लेस देन थ्री पर फंक्शन कुछ हो रहा है और ग्रेटर देन थ्री पर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू थ्री पर भी चेक करेंगे, बाकी हम इंटरवल्स बना देंगे। तो केस नंबर वन क्या बनेगा, ज़ीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन लेना है, या इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू हमारा केस नंबर फोर में आ जाएगा। तो दूसरा केस क्या बनेगा, वन लेस देन एक्स लेस देन थ्री। और थर्ड केस क्या बनेगा, थ्री लेस देन एक्स लेस देन टेन। पहले हमने ये केसेस बनाए लेस देन इक्वल टू टेन। तो केस नंबर वन, ज़ीरो से वन के बीच में जो फंक्शन है वो क्या है आपका, थ्री। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, थ्री का मतलब ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए या सी टाइप है, जिसमें फंक्शन कॉन्स्टेंट होता है। एक्स की वैल्यू आप टू पुट करो तब भी सी रहेगा, क्योंकि एक्स का कोई इफेक्ट नहीं है सी के ऊपर। एक्स की वैल्यू आप थ्री पुट करो तब भी ये सी रहना है। एफ ऑफ थ्री निकालें, एफ ऑफ फोर निकालें, कुछ भी निकालें, ये सी रहेगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, थ्री बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन सो इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री का मतलब क्या है, वाई इज इक्वल टू थ्री की जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, विदाउट लिफ्टिंग पेन इफ़ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। सपोज़ यहाँ पर आपके पास y इज़ इक्वल टू थ्री है, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन जाएगी वो विदाउट लिफ्टिंग पेन स्ट्रेट जा सकती है, यानी फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टीन्यूअस। यहाँ पर कहीं पर भी लिफ्ट नहीं करना पड़ा हमें पेन, तो फंक्शन जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं। सिमिलर हेयर, वन टू थ्री में फंक्शन है आपका फोर, ये भी कांस्टेंट है सो कॉन्टीन्यूअस। थ्री टू टेन में भी फंक्शन क्या है, फाइव, इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन सो इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। अब आपको वन और थ्री पर चेक करना है, वन माइनस एफ एक्स, वन प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ वन। तो वन माइनस का मतलब लेस देन वन, लेस देन वन पर फंक्शन क्या है आपका, थ्री। तो लेस देन वन पर फंक्शन लिया हमने थ्री, तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू जो एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स है वो थ्री आ जाएगा। इसी तरह वन प्लस लेंगे तो ग्रेटर देन वन हो जाएगा, ग्रेटर देन वन पर फंक्शन क्या है, फोर। तो ये आ गया फोर। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस, यहाँ डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया। थ्री पर भी ऐसे ही चेक करेंगे, थ्री माइनस का मतलब लेस देन थ्री पर फंक्शन आएगा फोर, और थ्री प्लस का मतलब ग्रेटर देन थ्री पर फंक्शन आएगा आपका फाइव। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है आपका वो डिसकॉन्टीन्यूअस है किन पॉइंट्स पर, एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री। 15 और 16 सेम है क्वेश्चन। अब आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है हमारे पास, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में रिलेशनशिप निकालना है सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई
दिस वन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3. ए और बी में रिलेशनशिप मीन्स इक्वेशन यू हैव टू फाइंड सो दैट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3. कॉन्टीन्यूस होगा फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 3 पर. तो इसमें क्या करना आपको, जो कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन है वो लगानी है. लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 3. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, और 3 राइट हैंड लिमिट 3 प्लस एफ एक्स एफ ऑफ 3. ये तीनों इक्वल होंगे. 3 माइनस का मतलब लेस देन 3 वाला फंक्शन लेना है. ई एक्स प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, ए एक्स प्लस 1. 3 प्लस का मतलब आपको ग्रेटर देन 3 वाला फंक्शन लेना है, बी एक्स प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पर. और एफ ऑफ 3 का मतलब जिसके साथ इक्वल टू 3 है. इक्वल टू 3 किसके साथ है, ए एक्स प्लस 1 के साथ. तो यहाँ x की जगह पुट हो जाएगा 3, यहाँ पर भी x की जगह पुट होगा 3, यहाँ पर भी 3. तो ये बन जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3. यहाँ पर 1 को इधर ले गए, 2 बन गया. a की वैल्यू क्या आ गई, b प्लस 2 बाई 3. तो ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन a एंड b, सो दैट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट में क्या है, कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 है. आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और चेक करना है कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहले कॉन्टीन्यूस है ये एट x इज इक्वल टू 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0. तीनों इक्वल हो जाएंगे. 0 माइनस का मतलब आपको लेस देन 0 वाला फंक्शन लेना है, ये 0 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन लेना है यहाँ. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट में ये फंक्शन आ जाएगा, इक्वल टू 0 में आपका ये फंक्शन आ जाएगा. तो यहाँ तो पुट करना है आपको 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा इंटू 0. यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1, 0 इक्वल टू 1 आ गया, नॉट पॉसिबल आ गया. या दूसरे मेथड से अगर आप ऐसे लिखते हैं 0 इंटू लैम्डा इक्वल टू 1, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 1 बाई 0, दैट इज़ नॉट डिफाइंड. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैंस देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस. लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जो फंक्शन को कॉन्टीन्यूस कर दे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर. अब इसी क्वेश्चन में आपको चेक करना है फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस और नॉट एट एक्स इज इक्वल टू 1. तो क्या करेंगे हम, एफ एक्स ये दे रखा है आपको, वी हैव टू चेक इट एट एक्स इज इक्वल टू 1. लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स निकालेंगे और एफ ऑफ 1 निकालेंगे. अगर ये सेम आ गए तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाएगा. लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू 1 का मतलब 1 के नियर अबाउट है, वेरी वेरी नियर अबाउट टू 1. तो किस में आएगा ये, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 में आ जाएगा. तो यहाँ फंक्शन क्या बन जाएगा, 4x प्लस 1, एक्स की वैल्यू एक्स टेंड्स टू 1 जा रहा है, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज़ 5. अब हम एफ ऑफ 1 निकालते हैं. एफ ऑफ 1 का मतलब लेस देन 0 में तो आएगा नहीं, इसका मतलब वो किस में आएगा, ग्रेटर देन 0 में. तो एफ ऑफ 1 क्या बन जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज़ 5. लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, सो फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1. तो ये थे क्वेश्चन अप टू 18. थैंक यू.